म्युनिसिपैलिटी में सिर्फ कतल खाना ही है, लोगों का लोगों की जान लेने पे तुले हुए लोग। फोन पे बात करके डॉक्टर से फोन पे बात करते और इंजेक्शन मार देते। सौदागर मौत का सौदा कर रही है और कुछ नहीं, मौत का सौदा ही चल रहा है यहाँ पर। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा का कालशेखर अस्पताल हमेशा विवादों में रहता है। आज फिर एक मरीज की मौत पर कालशेखर अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। हालात यहां तक पहुंच गए कि मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। कोरोना मरीज का इलाज कालशेखर अस्पताल में किया जाता है, मगर कालशेखर अस्पताल में इलाज के दौरान मरीजों की मौत की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। परिवार के लोग कालशेखर अस्पताल में इलाज करने में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। आज फिर महिला की मौत हुई। आज जिस महिला की मौत हुई है उसका नाम शबाना बानो शेख 38 वर्षीय है। परिवार वालों ने 20 जून को शबाना को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर कालशेखर अस्पताल में भर्ती कराया था। एक बात और आपको बता दें कि इसी कालशेखर अस्पताल में इसके पहले 19 जून को शबाना के पति उस्मान बादशाह शेख 51 वर्षीय को कालशेखर अस्पताल में ही भर्ती किया गया था, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, मगर 22 जून को उनकी भी इसी अस्पताल में मौत हो गई थी। अब परिवार वाले कालशेखर अस्पताल में इलाज पर लापरवाही का सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कालशेखर अस्पताल में मरीज चलकर आते हैं और उनकी मौत कैसे हो जाती है। जिस पति पत्नी की मौत हुई है उस्मान बादशाह शेख शबाना बानो शेख, ये पति पत्नी देवरीपाड़ा श्रीलंका रेहान बाग के रहने वाले थे। परिवार वालों ने बताया कि डॉक्टर से बात हुई थी कि शबाना बानो की तबीयत ठीक है और एक इंजेक्शन लाने को परिवार वालों से कहा गया था कि इंजेक्शन अस्पताल में नहीं है, आप बाहर से ले आएं। परिवार वालों ने कुरला में इंजेक्शन का बंदोबस्त भी कर लिया था, मगर तभी अस्पताल की तरफ से जानकारी दी गई कि शबाना बानो की मौत हो गई है। परिवार वालों ने रिपोर्ट मांगी तो रिपोर्ट भी नहीं दी गई, जिसके बाद परिवार वालों का गुस्सा अस्पताल पर फूट पड़ा और परिवार वाले अस्पताल के गेट के बाहर विरोध करने लगे। इस अस्पताल में किस तरह से इलाज हो रहा है कि मरीजों की मौत हो रही है, ये कालशेखर अस्पताल की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से लोगों का गुस्सा कालशेखर अस्पताल पर फूट पड़ा है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि कालशेखर अस्पताल में मरीजों को जो खाना दिया जा रहा है वो भी बेहद घटिया किस्म का खाना है, यानी कि ये खाना शुद्ध नहीं है। ये भी आरोप लगाया कि इतना महंगा इस अस्पताल में इलाज हो रहा है, मरीजों का बिल 3 लाख 4 लाख 2 लाख आता है और इस अस्पताल में सबसे बड़ी लापरवाही हो रही है कि एक के बाद एक इस अस्पताल में मौत हो रही है। परिजनों ने क्या कुछ जानकारी दी है शबाना बानो की मौत पर। आज हम लोगों को शाम में 4 बजे एक फ़ोन आया कालशेखर हॉस्पिटल से, हमारे पेशेंट को 3 दिन हुआ एडमिट करके, आज का तीसरा समथिंग चौथा दिन है। तो एडमिशन में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, खाली उनको पॉजिटिव आया, उनको ना कोई और बीमारी थी। हमारे पास रिपोर्ट सारी चीज़ें मैं सब दे सकता हूँ। कोई एम्बुलेंस आए थे ना कोई, खुद अपनी गाड़ी से आए, खुद बाइक से आए बाइक या पार्क किया और अंदर चले गए खुद ही। जब उनको मालूम पड़ा कि मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट है, वो एडमिट हो, उसके एक दिन पहले उनके हस्बैंड एडमिट हुए थे उस्मान भाई, उनका इंतकाल होके 3 दिन हुआ, उनको भी ज़्यादा कोई इशू नहीं था, वो खुद आए एम्बुलेंस में बैठे, खुद उतरे, खुद करे कुछ ऑक्सीजन लेवल ये वो ये सब करने की गरज नहीं पड़ी। सब होने के बाद एक तो परसों 3 दिन पहले हमको एक बॉडी दे दिए, 1 लाख रुपये बिल ले लिए। उसके बाद अभी ये जो कंडीशंस है इसमें हमको 4 बजे फ़ोन करते हैं और बोलते हैं, ये बोले इंजेक्शन हमारे पास ख़त्म हो गया, इंजेक्शन नहीं है, आप कहीं से भी करके इंजेक्शन लाओ। जो इंजेक्शन मार्केट प्राइस में 31,000 का है वो आज कालशेखर हमको प्रोवाइड कर रहे हैं 45,000 का। ऑलरेडी हम लोग ने एक इंजेक्शन उस्मान भाई को दिया था, इन्होंने एक इंजेक्शन कल रात में लगाया, लेकिन आज वो क्या बोलने लगे कि इंजेक्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आप किसी भी तरीके से इंजेक्शन लाओ। अब वो भाईकल्ला कोई फार्मा में मिलता है, मेडिकल केमिस्ट में, और उसके बाद में कुरला वगैरह में किधर मिलता है, हमने बहुत सारा पता किया तो बाद में मालूम पड़ा कि कुरला में अवेलेबल है। जब कुरला में अवेलेबल है मालूम पड़ा तो हम भेजे यहाँ से, भाई जा जल्दी लेके आ, वहाँ 31,000 का अवेलेबल है।
समझ लो आप 41,000 और 31,000 का डिफरेंस क्या है उसके बाद 45 सॉरी। अब उसके बाद ये अचानक अभी हमको बोले कि भाई इंजेक्शन लिए क्या, बोले वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा पेशेंट की, बहुत बोले कंडीशन क्रिटिकल है। तो हम लोग सब पूरी फैमिली हम लोग अभी हमारे भाई हमारी भाभी हम बात हुई थी मेरी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास ठीक है, उसने बोला था टेंशन मत लो पूरा कवर हो गया है हो सकता है तो एक दो दिन में डिस्चार्ज दे दूं। ये उनके अल्फाज है, ये उनके अल्फाज है रिकॉर्डिंग है मेरे पास डॉक्टर की। और वो कल हम लोग फोन कर रहे थे कंटिन्यू 5-6 बार फोन किया वो को अपना डिलीट मार दिया नंबर उन्होंने और ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, फोन ने उठाया ब्लैक लिस्ट में डाल दिया डायरेक्ट बोल के हम लोग आगे पिछले 2 घंटे से खड़े हैं भाई रिपोर्ट बताओ क्या कंडीशन है पेशेंट की क्या कंडीशन है बताओ कम से कम वीडियो कॉलिंग करके बताओ। तो रिपोर्ट ही नहीं भाई हाथ जोड़ू पैर पड़ू चिल्ला रहे कुछ कर रहे कुछ जवाब नहीं। और एक फोन आता है जैसे उस्मान भाई के केस में हुआ वैसे आज एक फोन आता है आधे घंटे से पहले कि भाई पेशेंट इंतकाल क्या है ये कैसा मतलब ये कौन सा कोविड हुआ तो इसका मतलब पेशेंट मर रहा है तो बताओ तो सही क्या है हम पूछ रहे हैं। और रिसेप्शन में कोई जवाब देने वाला नहीं है ऊपर से कोई बोलने वाला नहीं है डॉक्टर को फोन कर करके थक जाओ तुम लैंडलाइन नंबर पे फोन लगा लो फोन लगता नहीं करेंगे तो क्या करेंगे इसी कंडीशन में कालचक्र हॉस्पिटल हमारे साथ कर रहे तो क्या हुए इतने खतरनाक कंडीशन में कोविड में हमने ये भी कहा कि किट पहन के हम जाते हैं हमारे पेशेंट को देखने लेकिन वो भी वो लोग अलाउ नहीं कर मर्डर कर दिया ना सिर्फ इधर धंधा चल रहा है कारोबार चल रहा है पैसा कमाने का बाकी कुछ नहीं चल रहा है पेशेंट की जान पेशेंट से कुछ जितना सुबह हमको खाने में आपको पता है क्या दे रहे सुबह ऐसा चने है और एक पाव एक पेशेंट को क्या खाना दे रहे एक एक पेशेंट को खाने में क्या दे रही है चने और पाव उनका केयर टेकिंग नहीं उसका ध्यान नहीं कैसे हालात है क्या है इनसे पूछो इनके हालत क्या होगी। पहले डॉक्टर क्या बोलता है कि ना भाई आपके भाई के जैसा केस नहीं है आपका भाई का केस अलग था मेरे भाई का डेट हो गया यहीं पे कालसेकर में दोनों भाभी 401-402 में थे मेरे भाई 4 दिन पहले डॉक्टर क्या बोलता है कि ना भाई आपके भाई के जैसा केस नहीं आपकी भाभी रिटर्न आएगी बोले आप भाभी का टेंशन मत लो। मैं बोला भाई मैं यहाँ से शिफ्ट करना चाहता हूँ मेरे फैमिली वाले बोले शिफ्ट करो नहीं करने दिए मैं शिफ्ट करो बोल रहे बोले आपकी कंडीशन कैसी है बताओ तो बोले आपका भाभी का टेंशन मत लो मेरे पास पूरा मेरे पास रिकॉर्डिंग फोन पे उनका रिकॉर्डिंग है मेरा भाभी एकदम ठीक है वो वापस घर पे आ जाएंगे और आज बोल रहे कि डेट हो गया और सुबह से इंजेक्शन के लिए दौड़ा रहे बोले मार्केट में इंजेक्शन नहीं है शान बड़ा यहाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है एक बजे से आया हूँ मैं इंजेक्शन के लिए भाग रहा हूँ कभी यहाँ पे वहाँ पे ये पहली बात है इतने बड़े हॉस्पिटल में 2 MD डॉक्टर है इतने बड़े हॉस्पिटल में 500 कितने बड़े अपना 2 MD है एक कौन है जफर अंसारी और दूसरा कौन खालिद अंसारी खालिद अंसारी और एक जितेंद्र मिश्रा 2 MD है ठीक है और इसके बाद बाकी ना ये झोला छाप डॉक्टर यहाँ पे काम कर रहे जितने भी है उनको आइडिया भी नहीं है कौन सी इंजेक्शन कहाँ पे मारते कितना वैल्यू उसका सड़ी हुई दाल एक बासी दाल दिए फिर ये देखो बासी दाल देखो पेशेंट ने वहाँ पे मगजमारी करने के बाद में 2-2 लाख रुपए बिल लेते 2.5 लाख रुपए बिल लेते सौदागर मौत का सौदागर ये क्या मांगे आपकी शासन प्रशासन मेरी ये मांगे हॉस्पिटल बंद करो ये मौत का हॉस्पिटल हो गया से डेड बॉडी म्युनिसिपैलिटी में जाके ठीक हो के आ रहे लोग म्युनिसिपैलिटी में ठीक हो रहे ये कौन सा हॉस्पिटल है ये कौन सा हॉस्पिटल है म्युनिसिपैलिटी में सिर्फ कत्ल खाना है ये लोगों की जान लेने में तुले हुए लोग खाली पैसा कमाने का धंधा है 40,000 का इंजेक्शन मार रहे लोगों को झोला छाप डॉक्टर लोगों को लेके आए जो क्लिनिक पे बैठे रहते फोन पे बात करके डॉक्टर से फोन पे बात करते और इंजेक्शन मार देते सौदागर मौत का सौदा कर रही है और कुछ नहीं मौत का सौदा ही चल रहा है यहाँ पर। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।